खबरें के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब आपको ले चलते हैं पश्चिम बंगाल। जी हां, पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी मंच तैयार हो चुका है। यहां लड़ाई परिवर्तन और ध्रुवीकरण के बीच है। मुर्शिदाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो चाहती हैं कि लोग बीजेपी को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पूरे देश को कब्रिस्तान बना दिया है और वो अब पश्चिम बंगाल के साथ भी वही करना चाहती है। बीजेपी से के सावधान, बीजेपी से के सावधान, मने रखबेन, विदाय दाओ, विदाय दाओ, बीजेपी के विदाय दाओ, मने रखबेन, फिरिए दाओ, फिरिए दाओ, अमर देश फिरिए दाओ, भारतवर्ष फिरिए दाओ, भारतवर्ष के आज के शमशाने परिणत करेछे एरा, बांगला के आगामी दिन एरा चाय कि एरा शमशाने परिणत करबे, आमरा एटा करते दिच्छि ना एबं आमरा एटा करते देबो ना, एटा माथाय रखबेन। তাই আপনাদের কাছে বলছি, আগামী দিন হবে মা মাটি মানুষের জয়। আগামী দিন কার জয় হবে? और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा जारी है। इस बीच टाइम्स नेटवर्क के माधवन ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत की। ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अपना जनाधार खो चुकी हैं और अब बंगाल सरकार रुकावट पैदा करने वाली राजनीति कर रही है। We are here on the trail of the Parivartan Yatra, on the campaign trail in West Bengal, and I have with me BJP President Mr. JP Nadda. Mr. Nadda, first and foremost, this is a yatra which has seen a lot of controversy in the past. This has even gone to the High Court. The High Court did not intervene. They have allowed the yatra, and they have even made BJP a party to whatever case and petition was pending before it. You see, we all know that we are on a mission, and the mission is Parivartan. Parivartan in sense of the polity and politics here in West Bengal, led by Mamta ji. It is a politics of corruption, incompetence, administration has come to a collapse, and rampant corruption is there, cut money culture is there. All that has to be, all that has to go, and for that we are going for a Parivartan Yatra. She has alleged that there is use of money power, that there is five-star culture being brought in by BJP. So do you think that this is a sign of the number of desertions that have been seen from the TMC to the BJP? And what is the latest on that? We'll be seeing more faces. You see, she has lost her cool. She is frustrated. And all her actions and deeds and the language which TMC people are using, led by Mamta ji and the Bhaipo, all that indicates that they have lost the ground. And so, in frustration, they are speaking and alleging such allegations. और आपको ये भी बता दें कि ये जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच जो घमासान जारी है, वो सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी गूंज अब लोकसभा तक भी पहुंच गई है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया है कि अपने शांति निकेतन के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रविन्द्रनाथ टैगोर की जगह पर बैठे। वहीं अमित शाह ने इन आरोपों से इनकार किया। अमित शाह ने कहा कि उनके पास विश्व भारती की एक चिट्ठी है जिसमें लिखा गया है कि वो एक खिड़की के पास बैठे थे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि इस बात की तस्वीरें जरूर मौजूद हैं कि पंडित नेहरू और राजीव गांधी टैगोर की जगह पर बैठे थे। बीजेपी पार्टी के नेता नड्डा साहब चुनाव आए हैं, बंगाल जा रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की शांति निकेतन में जा रहे हैं, कह रहे कि यहां उनका जन्म हुई। अरे अजीब बात है, पहले तो पढ़ के जाइए कि कहां उनका जन्म हुई या नहीं। आप अचानक कह रहे कि शांति निकेतन में जन्म हुई है, लोग हंस रहे हैं। हमें बुरा लगता है कि कम से कम आप इतने बड़े पार्टी की एक सभापति होते हैं, हमारे अमित शाह जी जाकर प्रधान ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर की जो चेयर थी उसमें जाके बैठ जाते हैं। लोग आपको क्या कहते हैं पता नहीं, आप जाके बैठ जाते हैं, ये असम्मान होती है। विश्व भारती के उपकुलपति का पत्र है जिसमें मैंने उनसे स्पष्टता मांगी है कि सारे फोटो का, वीडियोग्राफी का एनालिसिस करके बताया जाए कि कहीं मैं बैठा हूं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। जहां पर मेरे बैठने का जिक्र किया है वो एक खिड़की है और खिड़की पर सभी को बैठने की व्यवस्था है। उसी स्थान पर
भारत की पूर्व राष्ट्रपति भी बैठी हैं, प्रणव दा भी बैठे हैं, श्री राजीव गांधी भी बैठे हैं और मैं भी बैठा हूं।